हेलो एवरीवन सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव दैट इफ आर इक्वल ए बी एंड सी डी की लेंथ अगर इक्वल है तो इनका कॉरसपॉन्डिंग सेगमेंट्स भी इक्वल होगा ये हमें प्रूव करना है सो अस राइड ऑन द गिवन डेटा जो हमें गिवन है सो मैं यहाँ पे गिवन है कि दो कॉर्ड्स है जो इक्वल है सो ए बी एंड सी डी आर ऑफ इक्वल सो ए बी इज इक्वल टू सी डी हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे जो दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी वो कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो मान लेते वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है इन द क्वेश्चन इट इज सेट दैट द टू कॉल्स इंटरसेक्ट इच अदर तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ई मान लेते हैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है तो यहाँ पे डीई ए e, e के बराबर हो जाएगा फिगर में देख सकते हैं सोनाओ so हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे इट इज नाउ टू बी प्रूवन दैट द सेगमेंट द सेगमेंट ए और डी इक्वल है और सी और बीई इक्वल e है

एंड द लास्ट वन इज ओ एम ओ एन के बराबर है क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है यह हमें गिवन है सो so, पे ओ ओ एम ई ई और एन सिमिलर हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया ट्राइंगल ओ एम ई और ओ एन ई कंग्रेट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ एम ई एन के बराबर है बाई सी पी सी टी तो जब हमने ऊपर इक्वेशन वन और टू बोली थी वहां से हम देख सकते हैं ए एम प्लस एम ई क्या होगा एनडी प्लस ए एम प्लस एम ई क्या होगा ए -E होगा और एनडी प्लस e क्या होगा ईडी e होगा सो so ए -E के बराबर है अगर हम सेकेंड और थर्ड नंबर देखें तो वहां पे हम देख सकते हैं एम बी माइनस एम ई क्या होगा सी एन माइनस ई एन और एम बी माइनस एम ई क्या होगा ई e बी और आर एच एस में हो जाएगा सी तो यही तो हमें प्रूव करना है ई बी टू सी सो दिस इज हाउ वी सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन आई होप This question is more clear to you now. Thank you.